हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए मुनीर नियाज़ी का देर कर देता हूँ मैं का रिएक्शन। एंड ये जो इनकी एक पोइट्री है, लाइक अभी हम रिसेंटली पोइट्रीज कर रहे हैं, देखते हैं जी ऑफिस हमने चालू किया था, तो उसके बाद लोग हमें और मस्त मस्त पाकिस्तानी पोइट्रीज ला के दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लाइक हर एक जो होती है ना वो इतनी क्लास होती है, लाइक तहजीब अभी के तो बिल्कुल फ़ैन बन चुके हैं। लेकिन उसके बाद हमने जॉन एलिया सर की भी देखी तो उनकी भी बहुत कमाल की थी। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से मुनीर नियाज़ी की और उनकी यहाँ पे देर कर देता हूँ मैं। सो लाइक क्या देर कर देता हूँ, किस चीज़ में, और लाइक ये किस तरीके से उसको पेश करेंगे, वो चीज़ मैं देखने को बहुत एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं कैसा होता है। और मैं मुनीर नियाज़ी के बारे में बस इतना जानती हूँ कि ये जो है ये पाकिस्तानी पोइट है और ये उर्दू में भी लिखते हैं और पंजाबी में भी लिखते हैं और ये इतने ही टैलेंटेड है। इन्होंने काफ़ी रेडियो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर के साथ भी काम रखा है, लेकिन इनका देहांत हो गया था 2006 में। हाँ, और जॉन इलिया है, उनकी भी हमने जो वीडियो मतलब देखी, पोइट्री सुनी, उनका भी देहांत हो गया। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आज जितने भी अच्छे पोइट थे बेसिकली, जिनकी मतलब पोइट्री बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनका सबका देहांत हो गया और वो लोग तो चले गए। बस उनकी यादें जो रह गई, उनकी पोइट्री ही रह गई है। और हम ना लिटरली हम तब भी लकी है कि हम लोगों को कभी भी इनकी पोइट्री सुननी मिलेगी। हमें नहीं पता कि आगे जो जनरेशन है उनको इनकी पोइट्री सुनने के लिए मिलेगी और इनको इवन नाम भी इनके पता होगे कि नहीं। तो मैं लिटरली बहुत ज्यादा अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं इनकी पोइट्री सुन सकती हूँ अभी भी। वही तो देखते हैं फिर ये कैसा होता। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, क्या बात, ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला। वाह 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 वाह, क्या बात है। ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। कमाल यार, ब्रावा, क्या बात है। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देंगे, क्या देते, देते, देते। किसी को अपने हम अमल का हिसाब क्या देते, देते। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे। और कुछ अशार जो मिजाज यार में आए, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वाह रे वाह, आवाज देनी हो, उसे बुलाना हो, वादा निभाना हो, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मदद करनी हो उसकी, यार के ढारस बंधाना हो, मदद करनी हो उसकी, यार के ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वाह, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, भूलने में भी हमेशा देर कर देता हूँ मैं। कमाल यार, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, वाह,
किसी को याद रखना हो तो दूर जाना है, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो। वाह, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, कमाल है यार। इतनी एक नॉर्मल सी लाइन है कि मैं देर कर देता हूँ, और उसको इतने प्यार से यहाँ पे मुनि नियाज़ी जी ने बताया है, और उसको कैसे आपने डेलिकेटली मतलब बताया है ना यार, वो कमाल कर दे कि थोड़ा देर कर देता हूँ मैं, उसको वादा निभाने में, उससे बात करने में, उसको कहीं के ले जाने में, या उससे मिलने जाने के लिए, या फिर उसको कोई एक अर्जेंट मतलब वो था कि वो सबसे लास्ट वाली लाइन थी ना कि लाइक किसी को मरने से बचाने के लिए कुछ बताना हो या कुछ भी करना हो उनसे में मैं देर कर देता हूँ, फिर किसी को झूठ बोलने में बताना हो वो सारी चीज़ों में मैं देर करता हूँ, और वो सारी बातें जो है ना आपको दिल को छू जाती है। और उनकी जो पहली वाली शायरी थी वो भी बहुत कमाल की थी, कितनी सटल तरीके से वो हर एक शायरी डिलीवर कर रहे थे ना, वो बहुत ही औसम था। और इन्होंने ना कहते हैं ना कोई हैवी वर्ड्स, अगर तुमने नोटिस किया होगा उनकी पोएम में कोई हैवी वर्ड नहीं था, बहुत नॉर्मल जैसे हम डे टू डे बेसिस में वर्ड्स यूज़ करते, बहुत सिंपल वैसे से इनके वर्ड्स थे। और इन्होंने एक चीज़ बोली कि हमेशा मैं देर कर लेता हूँ, शायद ना ये हम लोगों पर भी हो जाती है ये चीज़ लागू। हम लोग देख लो यार, हम लोग मतलब कुछ भी करते ना हम सारी चीज़ में लेट करते हैं, अगर हम ना किसी से अगर हम लोगों को मान लो हम गलती लग रही है हमें हमने करी है, और अगर हम सोच रहे कि यार मैं इसको सॉरी बोलूँ नहीं बोलूँ, तो हम यही सोचते हैं कि यार ठीक है मैं बाद में बोलूँगा, अपोलोजाइज बाद में कर लूँगा, जो कि बहुत गलत है। अगर हम जो जिस टाइम फील कर रहे होते हैं ना हमें उसी ही टाइम करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि यार जो साथ वाला आदमी है ना क्या पता वो तो अभी हमारे साथ है और इसके बाद हमें वो कभी मिले ना मिले, क्योंकि क्या पता हम ही ना रहे। तो ये सारी चीज़ें ना कहते हैं ना बहुत डीप सी थी, बहुत डीप मीनिंग था इन चीज़ों का, और लेकिन जो भी थी बहुत सिंपल पोइम थी लेकिन बहुत डीप मीनिंग था इसका, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मैं इतना ही बोलूँगी यार प्लीज़ कुछ भी हो जाए देरी मत करो, जो दिल में है साथ में बोल दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी वो इंसान हमारे साथ है, हमें नहीं पता कि कल कुछ ऐसा हो जाए कि वो हमारे साथ रहे ना। वही फिर वही लाइन रह जाती कि मैं बहुत देर कर देता हूँ मैं, और लाइक वो लाइक इतना सिंपल सा वर्ड है, वही मैं पहले बता रहा था कि लाइक सिंपल सा वर्ड है, हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे आज मैं ही लेट हुआ था तो मैं बोल रहा था कि हाँ देर हो गई आज, तो उस बात को एक शायर ने किस तरीके से पिक करके उसके अराउंड वर्ड घुमा दिया, यही होता है एक क्वालिटी शायर की बात, एंड उस तरीके से करता है वो बहुत कमाल का लगा। आप लोगों कैसे लगा कमेंट से जरूर बताएगा, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।